Si pasa a mettere. अरे मैं डॉक्टर भार माला से मिलने करूंगा कुपेन को माला से सम्मानित करें अनिल शर्मा जी स्टेज पे प्रिपेयर करके खाली अतिथिगणों से निवेदन कर जो जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें जोरदार तालियों चाहिए प्लीज अब प्राइवेट खाली माला से मिलने कृपया इनको अनिल शर्मा जी का दुपट्टे से सम्मानित करें भाई अनिल शर्मा जी से विनती अनिल शर्मा जी के लिए आप सब लोगों का हीरा मानिक पुरस्कार के सब लोगों को मेरी बहुत सारी बधाई हो और मैं चाहता हूँ ये अवार्ड ऐसे ही चलता रहे और यहाँ आकर के लोगों का प्यार मिला है और भाई जी के लिए जिस तरह का सब लोगों का प्यार और सम्मान यहाँ मिला है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सम्मान मुझे भी यहाँ मिला है आप सबको मेरी शुभकामनाएं और अगले साल इसी तरह अवार्ड लगता है मैं यही चाहता हूँ आपको भी धन्यवाद भाई अनिल शर्मा जी से भी देख रुपये को धर्मजी भाई साहब Thank you.
हीरा मानिक अवार्ड के लिए मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और बस शुभकामनाएं, इससे ज़्यादा और क्या दे सकता हूं। अच्छा, आज जो है आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पता नहीं ये कौन सा अवार्ड मिला है, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं तो यहां आया और जो भी अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, जो भी अचीवमेंट, अभी तो मैंने कोई अचीव ही नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी तो कैरियर की शुरुआत हो रही है, अभी तो सारे अचीवमेंट बाकी है। हाँ बस Thank you.
काशिम दुपट्टा से काशिम सर यो राजा साहब से जो दियो जो दियो राज जी मान से सम्मान करे सर 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 यो भाई श्री कृति आजाद जी और भरत भाई से मिलते कृपया स्वाति जी को मेमेंटो से सम्मान करे सर आपका दुकान झालेला है आचार्य ने हां भरत सर आ जो दियो सर थैंक यू सर आपको बुलाया गया है मेरे पहले गाने के लिए जो कि मैंने गाया था तनु वर्ष मनु रिटर्न्स में बनो तेरा स्वागत तो आप लोग ये प्यार से इतना बड़ा हिट हुआ गाना तो मैं तुम्हें तो उसकी बनाना चाहती हूँ गर्म सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और हार्दिक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा वो अपने जो अवार्ड्स के माध्यम से लोगों को लोगों की जो उपलब्धियाँ हैं लोगों के जो काम हैं उनको सराहते हैं उनको पहचानते हैं और उनको फिर नवाजते हैं अवार्ड से तो ये बहुत बड़ा उनका दिल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका जो आशीर्वाद है उनकी दुआएं हमेशा साथ में हैं और मेरी दुआएं और मेरे आशीर्वाद भी मेरी दुआएं हैं बहुत सारी मैं आशीर्वाद देने के लिए कुछ भी नहीं और मेरी यही दिली तमन्ना है कि हीरा माणिक जो ग्रुप है न्यूज़पेपर है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और प्रगति करे और जब आपके काम को सराहा जाता है तो नेचुरली बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ आपने मेहनत की है उसको पहचानने के लिए लोग हैं और उसको आप जब सपने इतने लोगों के सामने आप लाके आप खड़ा करते हैं और इतने सारे लोग आपको दुआएं देते हैं तालियां बजाते हैं आपके साथ नाचते हैं गाते हैं तो वो बहुत अच्छी फील है। स्टेज पर हमने गाना तो सुन लिया है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बताना अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे 4-5 प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं मेरी मैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हूँ उनसे क्योंकि 3-4 महीने में आप सुनेंगे 4-5 फिल्मों में गाने हैं मेरे एक जे पी दत्ता साहब की बहुत मच अवेटेड फिल्म आ रही है जी भर के जी ले उन जिसमें उनकी बेटी लॉन्च हो रही है तो एज एन एक्ट्रेस तो उसमें मैंने एक गाना गाया प्लस 2-3 फिल्में और हैं तेजाब का रीमेक हो रहा है तेजाब का सीक्वल है ऐसा कुछ अपने एन चंद्रा जी जो हैं उन्होंने उनकी एक फिल्म तो काफ़ी सारे फिल्में हैं जो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेरी बहुत उम्मीदें हैं उन गानों से आप सब लोगों का प्यार रहेगा तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे गाने थैंक यू हाय एवरीवन दिस इज अमन त्रिखा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मल्टीप्लेक्स थैंक यू सो मच Thank you.
सबसे पहले तो आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे हीरा मानिक अवार्ड के बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड, एंड मुझे सभी ने लाइक समझा इस अवार्ड के, इसलिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। और हार्दिक सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड हीरा मानिक न्यूज़पेपर को ऑल द बेस्ट। और अब तक आपको दो अवार्ड, इससे भी ज़्यादा अवार्ड मिल सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप अवार्ड के बारे में? अवार्ड आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना मायने रखता है अवार्ड आपके लिए? अवार्ड जीतना मुझे किसी को भी अवार्ड मिले तो हर एक को खुशी होती है, लेकिन मैं अवार्ड जब भी मुझे मिलता है तो मैं ये नहीं सोचती कि आई एम द बेस्ट, इसके लिए मुझे अवार्ड मिला। अवार्ड इस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये सोच के दिया जाता है कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो, और इसकी शाबाशी के लिए अवार्ड दिया जाता है। अच्छा संचिति, आज आपके लिए स्पेशल मोमेंट है, कोई आपका गाया हुआ कोई स्पेशल गाना आज हमारे सामने गाना चाहेंगे आप, जो आपको सबसे अच्छा लगता है? आज आपको यहाँ पर अवार्ड दिया गया, अवार्ड की बारिश तो ये साल आपके ऊपर हो ही रही है, तो ये अवार्ड आपके लिए कितना स्पेशल है, कितना मायने रखता है? देखिए सारे अवार्ड्स स्पेशल होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल अवार्ड है। एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुलाया गया है हीरा मानिक अवार्ड में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी देखिए आगे और क्या होता है, बट अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में हमारे साथ मैं बताऊँगी, ये भी सीक्रेट है अभी, कट जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट्स आगे, अभी डायरेक्टर्स जो है मूवी आ रही है 19 तक, उसके अंदर 6 गाने हैं, तो वो एक तो है ही, और उसके अलावा भी काफ़ी गाने आ रहे हैं, मैं जैसे जैसे रिलीज होते जाएंगे वो बताते जाऊँगा। अच्छा स्वाति, आपके लिए अवार्ड कितना मायने रखता है, क्योंकि अवार्ड जो है एक अप्रिसिएशन होता है किसी भी एक्टर के लिए, तो आपके लिए कितना मायने रखता है अवार्ड? देखिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आर्टिस्ट हम लोग काम इसलिए करते हैं कि हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन मिले, हम लोग को मतलब जो हम लोग काम करें वो नोटिस, और अवार्ड्स जब मिलते तो ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ नोटिस किया गया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन अवार्ड की, कोई कोई फेवरेट अवार्ड जो आपका ड्रीम होगी ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए? देखिए मैं जो चाहती हूँ कि बॉलीवुड के लिए जितने अवार्ड्स होते हैं मुझे सारे मिले, और डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि फिल्मफेयर में लाऊँ एक दिन ब्लैक लेडी अपने घर पर, तो हाँ सारी मेहनत अब उधर जाऊँगी। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आपके? मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपके प्यार की वजह से बनो इतना बड़ा हिट हुआ, देखिए आपकी वजह से इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा नया गाना आ रहा है डायरेक्टर्स के अंदर, उसको सुनिए, 19 तक को मूवी आ रही है, सुनिए जाके पसंद कीजिए, और क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।